ओके, तो रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए हमने भी बूटस्ट्रैप को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, अब जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके हमने इंटर किया यहाँ पे और स्क्रिप्ट का टैग लॉन्च किया, और उसके बाद जैसे ही लॉन्च हो गया स्क्रिप्ट का टैग, तो उसमें हमने src का एट्रीब्यूट भी ऐड कर दिया, और उसमें बूटस्ट्रैप में जाके हमने यहाँ से जो है डिस्ट में जाके जेस के अंदर जाके बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मेन डॉट जेस की हमने फाइल को सेव कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर हमने बनाया और उसमें हम लिख रहे हैं क्लास, और क्लास के साथ हमने यहाँ पे लिखा P5 M4 MT4 मार्जिन टाइप 4 ले लिया हमने यहाँ से, और BG-primary हमने यहाँ पे लगा दिया उसके बैकग्राउंड में, और यहाँ से हमने टेक्स्ट को डैश वाइट कर दिया, और उसके बाद हमने डिस्प्ले ऑन कर दिया, और यहाँ पर हमने आगे टेक्स्ट को डैश सेंटर कर दिया। तो ये कुछ क्लासेस को हमने यूज़ करते हुए काम ले लिया। इसके बाद स्टाइल का टैग लगा के भी हमने कुछ थोड़ा सा काम ले लिया। फॉन्ट के वेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट डैश वेट को हमने बढ़ा के 300 पिक्सल पे रख लिया। तो यहाँ से जब क्यों क्रिएट हुआ है वो देखने के लिए हम यहाँ से एक्सप्लोरर में जाएंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव टेबल के नाम से ये वेब पेज हमारा क्रिएट हो चुका है, जो ऐसा नज़र आ रहा है। तो मार्जिन पे अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करा लेते हैं, जैसे कि हमने इस पर लिख दिया कार्स प्राइस 2024। तो ये जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये इस तरह से दिखावा आ जाएगा। अब हमने इसमें एक टेबल का कंपैरिजन देखना है, एक कार का फ़ोटो लगा देना है मार्केट के ऊपर, मार्केट प्राइस, और फिर इस तरह से हम इसको ऐसे दिखाएंगे। तो फॉन्ट वेट मैंने हालांकि लगाया, फॉन्ट डैश वेट 300 पे तो इतना बोल्ड नहीं किया उसने, तो दोबारा से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर जाके हम फॉन्ट डैश पोर्ट टेक तो सही लगाया है। अच्छा, अब फॉन्ट डैश वेट का शायद इस पर इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि कंटेनर पे लगा दिया है, तो कंटेनर से हटा के हम इसको इसके ऊपर लगाएं। तो अब उसमें लगाने के लिए सबसे पहले एक अदद पी को बनाना पड़ेगा, पैराग्राफ के अंदर लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसको यहाँ से इसके अंदर बिठाना पड़ेगा। रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, तो फॉन्ट डैश वेट की प्रॉपर्टी तो काम ही नहीं कर रही, तो बोल्डर कर देते हैं, शायद फिर कोई फ़र्क पड़ जाए। तो यहाँ से बोल्डर कर दिया हमने, रिफ़्रेश किया तो कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर आ गया। अच्छा, उसके बाद जब नीचे आ गए इस कंटेनर से बाहर, तो एक डिव बनाया, डिव के अंदर हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने रो को डिफ़ाइन किया, उसके अंदर एक और कंटेनर बनाया, और कंटेनर बना के उसके अंदर हमने एक और क्लास बनाई, कॉल डैश MD स्क्रीन साइज़ बताया, 4 कॉलम्स को यूज़ कर लिया। इसके नीचे एक और क्लास बनाई हमने, कॉल डैश इसके कॉलम की नहीं डिव की क्लास बनाई, और उस पर क्लिक करके हमने यहाँ पर रख लिया कॉल डैश, इसमें भी हमने यूज़ किया। तो बाकी बचे थे रिमेनिंग 8 कॉलम, तो डैश MD करके 8 कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे इमेज लगाने की कोशिश करी, इमेजेस RC, उसमें भी क्लास लगाई फ्लूड IMG डैश FLUID फ्लूड की, तो ये इस तरह से आ गया। और उसके बाद अब इसके अंदर हम काम शुरू करेंगे टेबल के एलिमेंट से, तो टेबल का एलिमेंट इस पर काम करेगा, और हम इस पर यहाँ पर क्लासेस ऐड करते जाएंगे, और जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो वो यहाँ पर काम करता जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इमेज लगा लेते हैं मार्केट एनालिसिस की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं google.com के बजाय pixels.com पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जैसे ही हम लिख रहे हैं तो MAR लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिखने में कामयाब हो गया हूँ, मार्केट प्राइस लिख देते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई इमेज अगर हमें मिल जाता है तो कोई बेहतर सोल्यूशन निकल आएगा। तो मार्केट प्राइस में सारे वही आ गए जो उसके मामला चल रहे थे। तो यहाँ पर देखें मार्केट प्राइस के लिए हम समझते हैं कि ये वाला जो है या ये वाला एनालिसिस सही रहेगा। तो इस पर राइट बटन दबा के हम ले लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। तो कॉपी इमेज एड्रेस में हमें मिलेगा कहाँ से, ये रहा, और उसके बाद जाके हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इमेज सेक्शन में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमारे वेब पेज के ऊपर वो एक फ़ोटो आ जाएगी जो कि इस तरह से दिखा रहा होगा। अब रिस्पॉन्सिवनेस तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर, तो टेबल का एलिमेंट ऐड कर दिया, इसमें एक टी हैट सेक्शन बनाएंगे, और उसके बाद सॉरी टी हैट सेक्शन बनाएंगे इसका हम, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। टी हैट के बाद एक टी बॉडी सेक्शन बनाएंगे हम इसका, टी बॉडी, और उसके बाद उसमें भी कुछ ऐड करेंगे डेटा। तो टी हैट सेक्शन में हमने जो ऐड करने हैं हेडिंग्स में वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं TH करके। तो सबसे पहले हो सकता है सीरियल नंबर हो सकता है एक पहला सेल, और फिर दूसरे सेल में आ सकता है कार मॉडल लिख सकते हैं, या कार मॉडल लिख देते हैं, तो ये बात इसकी हो रही है। और फिर उसकी प्राइस डाल देते हैं इसके अंदर कि भाई अब प्राइस इसकी क्या है, और यहाँ पर प्राइस और उसका जो एनालिसिस है वो हम इसके नीचे देंगे तीन चीज़ों के ऊपर। चौथी चीज़ हम इसकी डाल सक देते हैं कार मॉडल, और
ईयर ऑफ मॉडल, ईयर मॉडल, ठीक है ना, मॉडल ईयर लिख देते हैं, सही रहेगा ज़रा, मॉडल ईयर, तो वो कौन से साल का है मॉडल और कौन से प्राइस में है, तो ये इस तरह से आ गया। सिमिलरली अगर आप इसके अंदर टीडी करके यहाँ पे डेटा डालते हैं तो सीरियल नंबर आ जाएगा 1, और देन टीडी करके उसमें जो नेक्स्ट डेटा आपने पुट करना है वो है कार मॉडल, सपोज़ हम लिख देते हैं GLI, ठीक है, और इसका जो V2 मॉडल है इसका, ठीक है, ये इसका मॉडल आ गया। उसके बाद इसकी प्राइस हम यहाँ लिख देते हैं सपोज टू बी 92 लाख रुपीज़, तो एक और ऐड कर देते हैं 1, 2, 3 के बाद, और 1, 2, 3 के बाद ये आ गया 92 रुपीज़, 92, तो यहाँ पे रुपीज़ का एक सिंबल ऐड कर देते हैं और इसमें यहाँ पे लगा के इस तरह से इसको यहाँ पे फाइनल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एंट्री आएगी टेबल डेटा के अंदर के मॉडल कौन सा 2024, तो हमने इसका मॉडल भी इस पर लिख दिया। सेव करेंगे, अब डेटा को देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है, तो रिफ्रेश करेंगे तो नॉर्मल टेबल की तरह ये डेटा इस पर आ रहा है। इस तरह से आप इसको दोबारा से करने के डेटा तो आ गया, लेकिन अब मसला ये है कि रो चेंज तो हमने की नहीं थी, तो रो के एलिमेंट को भी इसके अंदर ऐड करा लेते हैं। टेबल रो का एक एलिमेंट ऐड करेंगे यहाँ पे जिससे इसकी रो डिफ़ाइन हो जाएगी, और एक रो को डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे जिससे इसकी रो डिफ़ाइन हो जाएगी, और यहाँ पे जाके इसको इसके बाद ही हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। तो ये अपनी रो के अंदर आ गया और वो अपनी रो के अंदर आ गया, और इसको इस तरह से डेटा को हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ डेटा इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब से अगली रो में जाना है तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से इस डेटा को फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, और फिर पेस्ट कर दिया। चार्ट का गाड़ियों का एनालिसिस हमने इसमें डालना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4, और वो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। तो ये हमने इसकी एक एग्जांपल को यहाँ पे कोट कर दिया। अब GLI V2 हो गई, V3 आती है इसकी, वो इससे भी महंगी कर दी हमने यहाँ पे क्लिक करके, और वो मॉडल है सपोज टू बी 2023 का, और वो इस तरह से था। तो अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर 3 पे एक और गाड़ी लिख दी सपोज टू बी वर्ड्स के बारे में लिख दिया, और वर्ड्स का जो वर्जन था AL1, उसने इसका वर्जन यहाँ ऐड कर दिया, और उसकी प्राइस को हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे कुछ और प्राइस को हाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी। उसके बाद इसका मॉडल जो है 2024 है, 5 नंबर पर हमने डाल दी सपोज टू बी ओपल, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया सपोज टू बी V2 B21 इसका मॉडल था, और ये गाड़ी जो है 2023 के मॉडल में अवेलेबल है, और उसके प्राइस को थोड़ा सा और हाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का प्राइस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसके प्राइस इसमें ऐड कर दिया और उसको रिफ्रेश कर दिया, तो डेटा इस तरह था। अब हम देखते हैं कि टेबल को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लास लगानी है टेबल के एलिमेंट पर जिसका नाम ही टेबल है। जैसे ही आप टेबल लिखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल रिस्पॉन्सिव है कैसे पता चलेगा, जब हम स्क्रीन साइज़ को रिड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे इमेज इस पर ऐड हो गया है और ये टेबल इसके नीचे नज़र आ रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद अब थोड़ी सी और क्लासेस देख लेते हैं। अगर हम टेबल अगर हम यहाँ पे टेबल डैश स्ट्रिप्ट की क्लास को यूज़ करते हैं तो देखें टेबल पे हमारे स्ट्रिप्स बने आ जाएंगी, मतलब एक रो के बाद एक रो के ऊपर थोड़ी डार्क रोज आ जाएंगी। फिर अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो बीजी के साथ और सॉरी टेबल के साथ क्लास यूज़ करेंगे जिस तरह का कलर चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी क्लास यूज़ करेंगे तो प्राइमरी, अगर आप सक्सेस की क्लास यूज़ करेंगे तो फिर सक्सेस, और अगर आप इस पर डेंजर की क्लास यूज़ करेंगे तो फिर डेंजर इस पर कलर नज़र आएगा। एक और अच्छी सी क्लास है टेस्ट टॉर की क्लास को यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से भी नज़र आने लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि होवरिंग इफ़ेक्ट कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाके टेबल की एक और यूज़ करेंगे, टेबल डैश होवर क्लास यूज़ करेंगे, तो इस पर होवरिंग इफ़ेक्ट भी आपका काम करने लग जाएगा। जिस तरह का भी टेबल होगा उस पर होवरिंग इफ़ेक्ट वैसे ही काम करेगा। अगर आप टेबल को डार्क नहीं करते तो होवरिंग इफ़ेक्ट फिर इस पर इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो होवरिंग की भी क्लास यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर जैसे कि अगर आपने ये बनाई लिया है टेबल इस तरह का, तो अगर आप इसकी रो पे जाके भी अगर क्लास लगाते हैं सपोज़ टू बी टेबल डैश, और यहाँ पर आप प्राइमरी क्लास लगाते हैं, तो ये रो पर्टिकुलरली उस कलर की हो जाएगी जो आपने वहाँ पर डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और अगर किसी सेल पे लगाएंगे तो फिर वो सेल पे भी इफ़ेक्ट इसी तरह का डालेगा। जैसे कि अगर हम इस सेल के ऊपर कलर इफ़ेक्ट डालते हैं
टेबल डैश डेंजर हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो डेंजर हमने यहाँ पे लिखा और इस पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से उस पर वो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अब ये टेबल हमारा फुली रिस्पॉन्सिव है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये फुली रिस्पॉन्सिव टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो रहा है और ये इस तरह से दिखा रहा है। अब थोड़ा सा इसके यहाँ पे कुछ कंपेरिसिस कर देते हैं, तो इसका जो रो एलिमेंट है उसमें जाके हम यहाँ पे MT3 मार्जिन टॉप 3 का दे देते हैं, तो थोड़ा सा गेप आ जाएगा जिससे ये थोड़ा सा और खूबसूरत सा दिखाई देने लगेगा और आपको ये सा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से अब जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे रोज़ को तो ये और इसमें बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, तो ये इसके साथ और बेहतर नज़र आएगा। तो जो भी क्लासेस आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने मैक्सिमम क्लासेस इसमें यूज़ कर दी हैं। अब इसके अलावा जो भी आप क्लास यूज़ करना चाहें फर्दर, तो वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से बेहतरीन किस्म का रेस्पॉन्सिव टेबल डेटा की एंट्री के लिए पर्टिकुलर वे में आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा को विजुलाइज़ करा सकते हैं फॉर द सेक किसी भी तरीके से। ठीक है, बस याद रखना है क्लासेस का नाम और इनका काम। अगर सिर्फ आप लिखेंगे टेबल की क्लास तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, अगर आपने स्ट्रिप्स डालनी है, अगर आपने उसको डार्क करना है, अगर आपने उसमें हॉवरिंग इफेक्ट डालना है, तो ये सारी क्लासेस को यूज़ करना है। अगर नहीं डालना तो इन क्लासेस को यूज़ नहीं करना और सिर्फ इस क्लास को यूज़ करेंगे तो रिस्पॉन्सिव होगा। फिर ये जो कलर की हमने क्लास डाली है, इसको जिस भी पर्टिकुलर रो पर लगाएंगे, हेड सेक्शन पर लगाएंगे, TH पर लगाएंगे, TD पर लगाएंगे, उस पर वो पर्टिकुलर जगह पर इस पर काम करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा, उसका कम्प्लीट हो गया।